नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम मुद्दा धर्म का। आज मेरे साथ मौजूद है वृंदावन से पधारी हुई व्यास जी। जी मैं बात कर रही हूँ कुमारी गंगा मिश्रा जी की, जो कि एक मुरादाबाद में कथा के लिए पधारी हुई है और मुरादाबाद में 4 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक कथा का आयोजन होना है, जिसको लेकर वे वृंदावन से मुरादाबाद को पधारी हुई है और मेरे साथ आज मौजूद है मुद्दा धर्म का। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। मैम, जानना चाहेंगे, आप कथा के क्षेत्र में है तो धर्म का जो आज प्रचार प्रसार हो रहा है किस तरीके से हो रहा है? धर्म का प्रचार प्रसार तो इसमें कुछ लोग कथाएं कहते हैं, कुछ भजनों के माध्यम से करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि धर्म हमारा दिन प्रतिदिन पीछे भी जा रहा है, कि कुछ लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और उसकी क्या वजह है जो पीछे जा रहा हमारा धर्म? क्योंकि सबसे मेन कारण ये है कि आजकल के जो भी लोग हैं अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागृत नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पर मानस का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, और पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिसमें विज्ञान की जानकारी दी जाती है, इतिहास की जानकारी दी जाती है, पर धर्म की जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। पहले अगर गुरुकुल में देखा जाए तो एक नीति का पाठ पढ़ाया जाता था और हमारे देवताओं के बारे में बताई जाती थी, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो ये है कि जो भी है दूसरे धर्मों के बारे में बता देंगे, पर हम लोग के यहाँ सनातन धर्म के बारे में बताएं तो लोग कहते हैं तो कट्टर हो रहे हैं, ये बंद करो। अच्छा, आपकी बात की जाए, आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है, फिर भी आप इस कथा में, तो कैसा लगता है कथा करके? आप अच्छा लगता है। कब से आप इस कथा के क्षेत्र में आ जाएंगे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कौन आपके गुरु रहे हैं जो कथा के क्षेत्र में आए हैं? वृंदावन के बद्रीश गुरु जी हमारे हैं, जिन्होंने अध्ययन कराया था। कथा में क्या क्या रहता है विशेष आपके द्वारा? श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, ये सब आप कर दिए। तो क्या आप वृंदावन या आसपास के क्षेत्रों में जाती हैं या बाहर भी कहीं आप कथा का रसपान कराती हैं? वृंदावन में भी जाते हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल तक कर चुके हैं, पहले और मुरादाबाद में। लगभग कितनी कथा कर चुकी हैं आप? 20-25। अच्छा, चलिए धर्म की तरफ को मैं लेके चलूं। धर्म को आजकल लोगों ने एक तुच्छ बना दिया है, आखिर क्या वजह है? स्वार्थ के बस यहूद हो गए हैं, बस ये दिखता है कि पैसा कमाना चाहिए, पर ये नहीं देखते हैं कि पैसा जितना जरूरी है उतना धर्म भी जरूरी है। मैंने कल कथा में कही थी कि पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, पेड़ से अलग हटने के बाद पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, फिर वो कब नाली में जाए या धूल में जाए या कहाँ जाए कोई ठीक नहीं। ऐसे धर्म जो बात करी जा रही है, झांकी कलाकार है जो धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन कुछ झांकी कलाकार ऐसे है अर्धनंग अवस्था में भगवानों को सड़क पे नचा रहे हैं, क्या कहेंगी? वो शुरू से मेन बात है भगवान जी के बारे में जानते नहीं है, उन्हें आधा अधूरा ज्ञान किया है, कहें अधजल गगन छल गत जा, आधा अधूरा ज्ञान है, बस उसी के लिए पैसे मेन है, ठाकुर जी मेन नहीं है, चाहे जैसे करें बस पैसे होने चाहिए और मनोरंजन होना चाहिए। सिंगर की बात की जाए, सिंगरों को हनुमान चालीसा नहीं आता है, भजन नहीं आते, उन्हें ये नहीं पता कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है, उनके लिए क्या कहेंगी? वो सिंगर बन गए हैं, बस वही है, धर्म से दूर है। अब जैसे कि आरक्षण आजकल हो रही है, कुछ लोग हैं जिनके लिए कम पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाते हैं, कम पढ़े आरक्षण के नाम पे डॉक्टर बन गए, अब वो डॉक्टर बनेंगे तो पेट में कैंची छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ देंगे, ऐसे आधा अधूरा संस्कार रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो उल्टा पुल्टा ही प्रदर्शन होगा। अच्छा, लोगों के लिए कोई कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि मतलब? एक तो पहले ये होना चाहिए कि उन्हें देखा जाए कि उन्हें ज्ञान है कि नहीं है, कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, फिर बुलाई जाए। उन्हें शब्दों को थोड़े से बदल के कहना चाहिए, जैसे कि उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में सिंदूर की एक मान्यता है, बिंदी की मान्यता है, तो सब लोग अपने से धर्म के अनुसार रहे, बस यही कहना चाहिए ना कि प्लॉट खाली। आपके भविष्य की मैं बात करूँ, आपके जीवन काल की बात करूँ, तो आपका जन्म स्थलीय कहाँ की है? बनारस के पास में हमारा जन्म। अब जो आप प्रेजेंट में रह रहे हैं कहाँ? वृंदावन। वृंदावन धाम। अच्छा, आगे के लिए क्या सोचा है आपने? अभी तो ठाकुर जी के भरोसे हैं, ठाकुर जी की सेवा करनी है अभी। अच्छा, मुरादाबाद में आए हैं आप, 2 दिन हो गए आपको मुरादाबाद में आए हुए, कैसा लग रहा है यहाँ के भक्तों का, कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है कथा के दौरान? बहुत सुंदर, यहाँ के लोग श्रद्धालु हैं, कथा में आते हैं और भजन में भी अच्छे से भाव से भजन करते हैं। धार्मिक लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि खुद भी धर्म से जुड़े और अपने साथ जो लोग हैं सबको जोड़ते रहें, क्योंकि आज एक तो पहले अलग धर्मों के लोग हैं जो धर्म के प्रति
अपने समर्पित है, पर हमारे यहाँ के लोग हैं जो कि धर्म का पालन नहीं कर पाते अच्छे से। अच्छा, कथा हो चाहे धार्मिक कोई कार्यक्रम हो, लेकिन उसमें अभद्रता बहुत रहती है। अभी कांवड़ यात्रा चली, कांवड़ यात्रा में भी खूब बड़े बड़े डीजे ले गए हैं, उसके बाद में भी वहां गाली गलौज कर रहे हैं, उसपे क्या बोलना चाहिए? ये गलत बात है। अगर भजन करो तो मन से भजन करो, पूजा करो तो मन से पूजा करो, मिलावट न करी जाए इसमें। जहाँ मिलावट आती है वो चीज नष्ट हो जाती है। कथा के माध्यम से भक्तों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें और लोगों को जोड़े, क्योंकि जब हमारा धर्म ऐसा रहेगा मजबूत रहेगा, कहते ना एक एक करके पूरा जुड़ता है तो कोई तोड़ नहीं सकता, और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो कोई तोड़ देगा। पहले हम लोग के भारत में ऐसा था कि जितने भी धर्मी आए थे आक्रमण करे थे, और लोग जुड़े हुए थे, पहले तो अपने भगवान जी से जुड़े थे और आपस में जुड़े थे तो भगा दिए थे जो भी धर्मी आए थे उनको, पर ऐसे अलग हो जाएंगे तो अब दूर नहीं जब कोई भी आकर के आक्रमण कर सकता है। ठीक, ये थी मेरे साथ वृंदावन से पधारी हुई गंगा मिश्रा जी, जिनका कहना है कि धर्म को हमें आगे लेके जाना है ना कि हमें पीछे। और रही बात भागवत कथाओं की, तो भागवत कथाओं में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आए और भागवत कथा का रस पान करें। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, हिंदुस्तान न्यूज 24, मुरादाबाद।